लगातार 6 सालों से बैक टू बैक फ्लॉप एंड एवरेज फिल्में देने के बाद सलमान खान का कॉन्फिडेंस काफी हद तक हिल गया था। ऐसे में टाइगर 3 उनके लिए बहुत बड़ी लाइफलाइन बनकर आई है। खुद सलमान खान कहते हैं कि वो लकी हैं, उनको टाइगर 3 जैसी फिल्में मिलती हैं ताकि उनके स्टारडम को मेंटेन करने का मौका मिल जाता है, वरना जब वो अपनी चॉइस के साथ फिल्में करते हैं तब तो बैक टू बैक फ्लॉप देते हैं। फिर चाहे वो किसी का भाई किसी का जान हो, रेस 3 हो, भारत हो, ट्यूबलाइट हो, अंतिम द फाइनल ट्रूथ हो, वगैरह वगैरह। बहरहाल सलमान खान अगर फिल्मों की चॉइस को लेकर फोकस करें तब उनके साथ बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग ऑलरेडी होती रहती है, फिर भी वो चूज करते हैं किसी का भाई किसी का जान। वरना बहुत साल पहले उनके पास एक कहानी आई थी गामा पहलवान के ऊपर, जिनको रुस्तम में हिंद भी कहा जाता है। गामा पहलवान भारत के बहुत ही लीजेंड विंटेज रेसलर रह चुके हैं, सलमान खान के सुल्तान जॉनर पर पूरा फिट बैठते हैं। सलमान खान चाहे तो उसको सुल्तान 2 के नाम से बना सकते हैं या फिर रुस्तम में हिंद, तो टाइटल बेहतरीन है ही। आपको याद होगा 60s-70s के ब्लैक एंड व्हाइट एरा में दारा सिंह जब फिल्में किया करते तब उनकी बहुत सारी फिल्मों के नाम रुस्तम में हिंद हुआ करते थे, बिकॉज उनको भी रेसलिंग के मैदान में यही प्राउड टाइटल मिला था। उसी रुस्तम में हिंद के टाइटल पर सलमान खान चाहें तो गामा पहलवान की कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ये बॉलीवुड की अब तक की सबसे रेयर बायोपिक होगी। सलमान खान ने जो काम सुल्तान में किया था, आमिर खान ने जो काम दंगल में किया था, वही काम सलमान खान फिर से रुस्तम हिंद में कर सकते हैं। और अगर आप गामा पहलवान की पुरानी फोटो देखेंगे तब वो उसी कदकाठी के नजर आते हैं, हाइट में थोड़ा छोटे और बॉडी वेट में सलमान खान के ही बॉडी लैंग्वेज को कैरी करते हैं। ऐसे में सलमान खान के पास स्क्रिप्ट भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, लेकिन सलमान खान कई सालों से मूवी को होल्ड करके रखे हुए हैं। यहाँ तक कि सलमान खान ने गलती करते करते बच गए, वो चाहते थे इस मूवी को वेब सीरीज में कन्वर्ट कर दें और अपने भाई सोहेल खान का भला कर दें। हालांकि सलमान खान ने जब जब सोहेल खान का भला किया है उनका बुरा हो गया है, फिर चाहे वो अरबाज खान के साथ काम करना हो या फिर सोहेल खान के साथ। सलमान खान को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, अपने भाइयों को काम दिलाना है तो किसी बाहर के प्रोडक्शन हाउस में काम दिलाएं, अपने साथ काम करवाने की जिद उनको छोड़नी पड़ेगी, वरना फिर हाल वही होगा जो हाल हेलो ब्रदर का हुआ था या फिर ट्यूबलाइट का हुआ था। तो सलमान खान के पास एक बहुत अच्छा मौका है रुस्तम में हिंद बनने का, बिकॉज बायोपिक के दौर में जो रेसलर सामने आते हैं उनको लेकर यूथ बहुत ज्यादा रिलेटेबल फील करते हैं। आज जो भी जिम गोइंग यूथ है वो सलमान खान को एडमायर करता है, और सलमान खान अगर मिट्टी पकड़ पहलवान गामा पहलवान की स्टोरी को रुस्तम में हिंद के नाम से बनाते हैं तब पब्लिक को एक इंस्पायरिंग रोल मॉडल मिल जाएगा और सलमान खान की फिल्मोग्राफी में क्लासिक फिल्म का नाम जुड़ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।